नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। पश्चिम बंगाल के बनहुगली में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान के बंद होने के नोटिस के बाद से विकलांग द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद से ही संस्था के विकलांग और उनके अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने लगे। सभी का कहना था कि केंद्र सरकार इस अस्पताल को बंद करवा देना चाहती है, जिसके बाद आज जब अस्पताल के कमेटी मेंबर से हमारी टीम की बात हुई तो उनका कहना था कि अस्पताल को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि डायरेक्टर कुछ बदलाव करना चाहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों पहले ही नोटिस किया गया डायरेक्टर की तरफ से कि यह अस्पताल को बंद कर दिया जा रहा है, फिर आज अचानक आप आए हैं, आप बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया आप लोग सोच रहे हैं, क्या वजह क्या है? नहीं, कुछ नहीं, ये एक संस्था, एक पुनर्वास संस्थान है जो मूलतः जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है भारत सरकार की, उसके अंदर एक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में स्थित है, उसका एक ये रीजनल चैप्टर है। और इसमें जो सर्विसेज चल रही हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक डिसीजन लिया गया कि हम कैसे कर सकते हैं, उसकी मॉडलिटी को चेंज करने की बात की गई। उसमें जो दो ऑफिसर्स के बीच एक पत्राचार हुआ, उसको कहीं पब्लिक में डालने से उसको लोग नोटिफिकेशन समझने लगे, जबकि उसमें कोई प्लान की बात कही गई थी कि कैसे प्लान बनाया जाए। तो ये जो कन्फ्यूज़न हुआ उस कारण से लोग का कुछ एजिटेशन देखने को मिला, सुनने को मिला, मैं भी आया देखा, और पेरेंट्स काफ़ी चिंतित थे। और उस चिंता को देखते हुए फिर इस विषय को हम लोगों ने अपने वहाँ संस्थान को बताया, और उस जो पिछला जो चिट्ठी था उनका वो लेटर को विड्रॉ कर लिया गया। तो ये संस्थान बंद नहीं होगा, ये आप अब मैं वही कहूँगा कि संस्थान तो कभी सर्विस बंद नहीं होगी और कभी कोई सेवा बंद नहीं होगी। नहीं, लोगों में है, यहाँ के पेरेंट्स जिनका कहना है कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, जो यहाँ पर सीख रहे हैं, जिनको इवन कि कुछ लोगों का ये भी कहना था उन्हें यह स्टाइफन मिलता था, पिछले 3 साल से स्टाइफन भी नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है। नहीं, वो स्टाइपेंड के लिए मैं अभी बात करता हूँ हेडक्वार्टर से कि क्यों नहीं मिल रही, उसको देखते हैं। और ऐसा कोई भी सर्विस, कोई जो चिंता इनकी है उनको सबको दूर की जाएगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी केंद्र सरकार रिसेंट समय में बहुत सारे योजनाओं को एक्सपैंड ही की है, सर्विसेज को कभी घटाई नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसा क्षति नहीं पहुंचेगा। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार का कोई रोल क्या रहेगा, हम एक संस्थान का अपना एक रीजनल चैप्टर है, अब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तो सरकार की ही संस्थान है। नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले सभी ने कहा कि ये केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस किया गया है और ये संस्थान को बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट का अपना एक इसी का डिसीजन था, इसको कुछ लोग जबरदस्ती कुछ और बड़े पैमाने डिसीजन था, एक इसी का डिसीजन था, ये इंस्टीट्यूट का इसी का डिसीजन है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, मतलब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, और ऑटोनॉमस बॉडी के हर ऑटोनॉमस बॉडी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, तो उनका डिसीजन के तहत, और ये एक्सपेंशन के लिए डिसीजन था, कभी भी ये डिसीजन को ये नहीं था। इसमें प्रयास ये किया जा रहा है किस तरह से और भी अच्छे से दिव्यांगजनों तक सुविधाएं पहुंच सकें, उनको सर्विसेज मिल सके। तो पहले ये जो अभी गलत फहमियाँ जो आई हैं लोगों के बीच में, इसको पहले ही क्यों नहीं आप लोग इस तरह से सारे चीज़ों को ला कर तब क्यों नहीं लाए, इस तरह की इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे हुई? क्योंकि आप देख रहे हैं बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वो लोग गलत फहमी को दूर करने के लिए हम लोग आए, कमेटी बनी है और सब लोगों को सुनेंगे हम लोग, और कोई अगर ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न हुआ है फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग सुझाव भी अपने कब तक ये सारा कुछ और सब तब तक तो खत्म हो चुका है, नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए आज ही संभवतः, बहुत उम्मीद है कि आज खत्म हो जाना चाहिए। और जो इसको कैसे बेहतरी से किया सके, उसमें अभिभावकों की भूमिका हो, पेरेंट्स की भूमिका हो, जो DPOs हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भूमिका हो, उनकी सुझाव को लेकर के हम लोग अपने निदेशक महोदय को प्रस्तुत करेंगे और उचित निर्णय लेंगे जिससे हम अच्छा काम कर सकें। आप इस संस्था के क्या हैं? मैं इस संस्था में वहाँ हेडक्वार्टर में एक सहायक प्राध्यापक के पद पे हूँ, साथ में प्रभारी हूँ राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय जो हमारी सर्विसेज हैं उसकी। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि संस्थान को और इम्प्रूव करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से डिसीजन लिया गया था और किसी तरह की गलत अफवाह की वजह से इस तरह की घटना हुई। फिलहाल संस्थान के डायरेक्टर द्वारा नोटिस जारी कर सभी को बताया गया कि संस्थान बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि संस्थान ने खुद से इस निर्णय को लिया है।
सुनो।